पुलिस ने करीब 273 कोरोना मरीजों की बचाई जान। दिल्ली बॉर्डर पर फंस गए थे दो ऑक्सीजन टैंकर, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा अस्पताल। दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में 273 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था और कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। अलीपुर थाना SHO संजीव कुमार सिंघू बॉर्डर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर को वहीं सही वक्त पर भेजा, जिसमें 273 लोगों की जान बचाई गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर को रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल भेजा। पुलिस, कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। बढ़ते मामलों ने चारों तरफ से कोहराम मचा दिया है। संक्रमित लोगों का इलाज कराने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेड, ऑक्सीजन और दवाई की भारी किल्लत हो गई है। मरीजों का इलाज कराने के लिए ना ही तो बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। ऐसा ही एक मामला रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल का है। अस्पताल में करीब 273 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था और कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। लिक्विड गैस टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गया था और 273 मरीजों की जान खतरे में पड़ी थी। वहीं SHO थाना अलीपुर संजीव कुमार ने सिंघू बॉर्डर से लिक्विड गैस टैंक को अपनी ड्यूटी निभाते हुए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पहुंचाया। दरअसल कोविड प्रतिबंधों के चलते दो ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली की सीमाओं पर अटक गए थे, लेकिन SHO संजीव कुमार की सतर्कता और सूझबूझ ने सभी मरीजों की जान बचा ली। पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे सही समय पर टैंकर अस्पताल पहुंच गया और सभी मरीजों की जान बच गई। आपको बता दें कि अलीपुर थाना SHO की इसी बीच एक सूचना मिली कि अलीपुर इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। उसके शव को कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा था, क्योंकि सभी को डर था कि कहीं इस व्यक्ति को कोरोना से मौत नहीं हुई तो नहीं है। लेकिन थाना अलीपुर SHO संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और काफी जद्दोजहद और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसी काम के बाद अलीपुर SHO संजीव कुमार के इलाके के लोगों में काफी सराहना हो रही है। हम आपको बताते चलें कि थाना अलीपुर SHO इस वक्त अलीपुर थाने एरिए के लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। चले हम खड़े हुए हैं अलीपुर थाना एरिए में। हम आपको बताते चलें कि अलीपुर थाना SHO संजीव कुमार के नेतृत्व में कल भी काफी आदमियों की जान बचाई गई है, जो सराहनीय काम माना जा रहा है। लोग भी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको बताते चलें, यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग भी खड़े हुए हैं, जो लोगों को बिना मास्क के जो जा रहे हैं उन्हें रोक कर उन्हें चेक किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताते चलें, ये पल्ला बख्तारपुर को रोड जा रहा है, जिस पे पुलिस वाले तैनात खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लोगों के लिए मसीहा बन रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस वाले भी गाड़ी रुकवा कर उनको चेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो माहौल है इस कोरोना काल में, लोगों को जिसको बचाना चाहिए ये काम सरकार का था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की छवि खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जा रही है, आप ये वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों की दिल्ली पुलिस जान बचाती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये बार बार इस तरीके की वीडियो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में लोगों को बचाया जाए, और जितना काम दिल्ली पुलिस कर रही है वो कोई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में वीडियो में भी कि किस तरीके से यहाँ पर एक इको रुकवाई गई है और उसको बाकायदे दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि किसी तरीके का कोई इसमें ऐसा हो तो नहीं है कि बिना मास्क के लोग हों या ज़्यादा लोग हों। उनको नसीहत भी दी जा रही है।
अब देखना होगा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस चीज को अगर हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार भी सोचती तो आज काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जिस तरीके से दिल्ली के अलीपुर एसएचओ ने काम किया है, काफी लोगों की जान बचाई है और ये सराहनीय काम किया है, वहीं दिल्ली पुलिस के जवान मैंने आपको दिखा दिए हैं और सीआरपीएफ के भी जवान यहाँ खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्तैद हैं। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है, जितना बेहतरीन काम दिल्ली पुलिस लोगों के लिए कर रही है, उन्हें सलाह भी दे रही है, उन्हें बता भी रही है, आखिरकार अगर यही काम हमारे जो बड़े नेता हैं वो करते तो शायद इस महामारी से इतना लोग जो आज मर रहे हैं वो बचाए जा सकते थे। जहां सिलेंडर नहीं है वहां सिलेंडर भी पहुंचाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन का इंतजाम करवा रही है और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। अब देखना होगा क्या जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है तो ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए, पत्रकार हो या दिल्ली पुलिस हो, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जनता की मदद कर रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में शायद हो सकता है कि दो चार नेताओं का जमीर जाग जाए और जागने के बाद में वे भी जनता को बचाने की कोशिश करें। जो रात दिन ये लोग अपनी ड्यूटी करके, ये भी इनके भी परिवार है, इनके भी सब कुछ है, लेकिन ये क्यों खड़े हुए हैं यहाँ? क्योंकि जनता को बचाने के लिए, जनता को आगे सलाह भी दे रहे हैं कि इतनी भीड़ मत चलाओ, लेके मत जाओ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते भी नहीं हैं। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि लोगों को खुद समझदार हो जाना चाहिए और खुद अपनी समझदारी से काम करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और इस कोरोना काल में अपने घर ही सेफ रहें। शायद हो सकता है कि अगर 10 दिन नहीं जाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन अगर कोरोना होगा तो बचेंगे भी नहीं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दादा, जिसकी डेथ हुई थी कौन था और कहाँ के रहने वाले थे? कुछ ये असम का रहने वाला था जी। जी, उसका नाम था ये मदन राय, बाप का नाम भी था कुछ ऐसा ही भानु राय। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ किराए पर रहते थे? कैसे क्या हो गया था? 3 महीने से रह गया था। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे कैसे इसको उठाया यहाँ से? पहले तो ये इसका शुगर भी थी और पीलिया भी था, दुकान खोल लिया करता, ये जो 4-5 दिन तक खोल नहीं रहा था। अच्छा, पहला था कि मेरा को ये हो गया। अच्छा, तो ये बीमार था उसकी वजह से मौत हो गई इसकी। हाँ, तो पुलिस आई थी, पुलिस लेके गई? हाँ, पुलिस लेके चली गई क्या को। अच्छा, पूरा दिन यही था उसका, पुलिस वाला ना भी ना लगा। अच्छा, हाँ, मन नहीं लगा के देख खराब बोल के वो। अच्छा, रात वो धोंदे साबन तो ठीक करता। आपका नाम? राकेश गोयल। राकेश जी, आपको कैसे पता चला कि इस घर में डेड बॉडी है? ये सुबह से इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, मगर हम अभी तक कोई किसी भी डिपार्टमेंट ने उठाया नहीं इसको। हमें शाम को पता चला कि इस घर में डेड बॉडी है, तो तुरंत हमने इसको एक्शन लिया और आधा घंटे में हमारा ये काम हुआ। आपको सुबह से पता था कि डेड बॉडी है, लेकिन हमें जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि रात का समय है और आप बता रहे हैं कि सुबह से कोई प्रशासन के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। हाँ जी, आपको पता कैसे चला था कि इस घर के अंदर डेड बॉडी है? हमें तो अभी शाम को मैं ऑफिस से आया था, जिसके बाद पता चला कि अभी तक डेड बॉडी उठी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्या रीजन रहा होगा डेड का? डेड का बताया था कि सुबह से कोरोना पॉजिटिव बताया गया, अलीपुर पुलिस स्टेशन से डिपार्टमेंट आए थे डेड बॉडी का पता करने के लिए कि डेड बॉडी किस लिए क्या हुआ था उसको, तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि डेड कोरोना की वजह से हुई है। आपने पुलिस को कब इत्तला किया इस चीज़ के बारे में? अभी 8:30 बजे।